तो ये हमारा एग्जाम्पल है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का ओके ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न या हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर अब इसका मतलब क्या होगा जो जीन होगा वो ऑटोजोमल जो ऑटोजोम्स होते हैं जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होगा जो सेक्स क्रोमोजोम्स है वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे अब डिसऑर्डर का क्या मतलब है यहां पे विच मींस बोथ कॉपीज ऑफ द जीन एंड ईच हैविंग सेल म्यूटेशंस तो जीन्स की दोनों कॉपीज के अंदर क्या होंगी म्यूटेशंस होंगी जब ये डिसऑर्डर होगा यहां सिंपल बोले मीन्स टू कॉपीज है और टू कॉपीज ऑफ एन अब नॉर्मल जीन मस्ट बी प्रेजेंट दोनों जो कॉपीज होंगी जीन्स की वो अब नॉर्मल दोनों के अंदर म्यूटेशन होगी जब ये हमारा डिसऑर्डर होगा इस डिजीज का एग्जाम्पल है और हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं सिक्कल सेल एनीमिया वो भी हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसम्पल होगा ओके अब ये जो डिसऑर्डर है यहाँ पे जो सेल्स हैं हमारी अफेक्ट होंगी वो कौन सी होंगी सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स द सेल दैट प्रोड्यूस म्यूकस स्वेट्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस मेनली ये हमारा डैमेज करता है लंग्स को एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ये गलत है। पे दोनों जीन्स के अंदर म्यूटेशन होनी चाहिए डिजीज को डेवेलप होने के लिए तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑटोजोमल रिसेसिव डिसक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर